मथुरा में फिल्म अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी के आने से पहले कार्यक्रम स्थल रण क्षेत्र में बदल गया। दरअसल सांसद हेमा मालिनी हाईवे पर मंडी चौराहे पर ओवरब्रिज का भूमि पूजन करने पहुंचने वाली थी। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक टेम्पू चालक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वहां हंगामा मच गया। कहा जा रहा है कि जब व्यापारियों ने टेम्पू चालक की पिटाई का विरोध किया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की उनसे भी कहासुनी हो गई। दरअसल मथुरा में सांसद हेमा मालिनी का कार्यक्रम आयोजित था। उन्हें हाईवे पर मंडी चौराहे के पास ओवरब्रिज का उद्घाटन करना था। हेमा मालिनी के आने से पहले बीजेपी कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने मंडी चौराहा स्थित कार्यक्रम स्थल पर एक टेम्पू चालक को पीट दिया। उन्हें ऐसा करते देख वहां खड़े कुछ व्यापारी नेताओं ने विरोध किया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने कुछ और कार्यकर्ताओं को मौके पर बुला लिया। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई। हंगामे के बीच बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीएसपी कार्यकर्ता कार्यक्रम को खराब कर रहे हैं। उनका कहना है कि झगड़ा कर रहे हैं यह लोग व्यापारी नेता नहीं है बल्कि बीएसपी समर्थक और कार्यकर्ता है। इसी बीच बीजेपी सांसद हेमा मालिनी वहां पहुंच गई। उन्होंने आनंद फानंद में ओवरब्रिज के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान टेम्पू चालक की मां भी वहां पहुंच गई और उन्होंने हेमा मालिनी से मिलने का काफी प्रयास किया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मां बेटे को हेमा मालिनी से मिलने नहीं दिया गया। आपकी फरियाद नहीं सुनी गई? ना सुनी गई भैया। आप थाने जाएंगे? थाने तो जाऊंगी और क्या करूंगी फिर, जब जो जो सुनेंगे ना तो फिर वो तो कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्या करूंगी। बताया नहीं जा रहा, हम व्यापार मंडल के लोग हैं। आपने सब मीडिया वालों को, बंधुओं को, सबको अवगत है कि हमने यहाँ संघर्ष किया। इस संघर्ष की वजह से आज ये अपनी जो हेमा मालिनी सांसद जी हैं उनकी वजह से आज यहाँ इसका शुभारंभ हो रहा है फ्लाईओवर का। हम तो केवल बधाई देने के लिए आए हुए थे। हम सब व्यापार मंडल के यहाँ अध्यक्ष, महामंत्री, जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ, कोई इनमें से कोई व्यक्ति है जो एक ऑटो वालों को चलाचल मारने लग रहे थे। गरीब आदमी अगर रोज पूरी भीड़ तमाशा देख रही है। हमने केवल उनसे ये कहा कि भाई तुम इसको गरीब को क्यों पीट रहे हो। इतने में आके आप सबके सामने बोला तुम कौन होते हो। हमारे व्यापार मंडल के महामंत्री हैं जो मीडिया प्रभारी हैं उनसे उत्सुक बोलने लगे। अब ये हमको सबको व्यापार मंडल वालों को यहाँ से भगा रहे हैं, तो ये कहाँ की मानवता है? नहीं लड़ाई, अगर हमने कोई गलत शब्द बोला हो हम केवल उसका बचाव ही तो कर रहे हैं। क्या हम भीड़ की तरह तमाशा देखते रहे? एक गरीब आदमी पीटता रहे ऑटो वाला और ये उसे पीटते रहे, क्या हमारे बचाने का मानवता का कोई धर्म नहीं? मार रहा था इन्हीं इन्हीं लोगों में से है कोई? ये भाजपा वाले पता नहीं कौन है ये। ये तो बसपा वाले की हमारी कोई प्राथमिकता नहीं थी, हम बसपा वाले की तरफ से, हम केवल व्यापार मंडल की तरफ से जो सांसद हैं हमारे उनका हम स्वागत करने के लिए आए थे कि आपने ये फ्लाईओवर का जो शुभारंभ किया है इसके लिए आपको बार बार
धन्यवाद हो, केवल धन्यवाद देने के लिए। इनको थोड़ा सा जलील हो रहा है कि ये लोग कैसे आ गए यहाँ पे, यही लोकल क्षेत्र के लोग हैं। आप जब तसलबाजी होती है, एक मध्यवर्गीय आदमी को, गरीब आदमी को आप इस तरह पीट रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं भाई? क्या अधिकार है आपका पीटने का? केवल हमने बचाव कर लिया तो गलत सिद्ध हो गए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।